नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि चर्चा होगी पाकिस्तान के बारे में। असल में पाकिस्तान की चर्चा होगी इस मायने में कि जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया और दूसरी तरफ हो गया चाइना, ये जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का परीक्षण समय समय पर लेते रहते हैं और पाकिस्तान खुद को हमेशा आगे पाता है जब भी कहीं इन देशों के अंदर कभी भी क्लैश होता है या फिर कहें कि इनके बीच में कोई भी वारदात होती है, बात होती है, तो पाकिस्तान खुद को सबसे आगे खड़ा हुआ पाता है। और ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है पाकिस्तान के साथ। चीन ने जो है इसका जता दिया है विरोध। क्या है मामला? तो लोकतंत्र सम्मेलन होने वाला है, समिट फॉर डेमोक्रेसी होने वाला है अमेरिका के अंदर जो बाइडन के नेतृत्व में। असल में 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। कोरोना के चलते ऑनलाइन वर्चुअल ये मीटिंग होती है। दुनिया भर के तमाम जो लोकतांत्रिक देश हैं, भारत समेत, इनको किया जाता है आमंत्रित। 2021 के सम्मेलन में लगभग 113 देशों ने भाग लिया था और इस बार लगभग 120 देश बुलाए गए हैं। और इसके चलते चीन ने अपने देश के अंदर अलग से एक लोकतंत्र का सम्मेलन करा लिया। चीन बोला कि जाओ, हम नहीं मानते तुम्हारी डेमोक्रेसी को। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक समझेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है 2021 के अंदर जो हुआ था वो वाला सम्मेलन, जिसको कि समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको इंडिया की तरफ से पीएम मोदी भी दिखाई देंगे। थोड़ा सा ब्लर फोटो है ये, क्योंकि जो कैमरे का फोकस है वो है फिलहाल बाइडन के ऊपर। मोदी जी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था लेकिन पाकिस्तान ने तब भी नहीं लिया था। न्यूज़ निकल कर आती है, 120 लीडर्स इन्वाइटेड टू बाइडन्स सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा समिट फॉर डेमोक्रेसी है, उसके लिए 120 लीडर्स को, यानी कि 120 देशों को आमंत्रित किया गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वाइटेड, दोनों देशों को बुलाया गया है, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। 120 लीडर्स इन्वाइटेड टू बाइडन्स सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन दूसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं। इस बार इस सम्मेलन में 120 देश आमंत्रित किए गए हैं। पहला डेमोक्रेसी समिट दिसंबर 2021 में हुआ था, जिसमें 113 देशों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन को ज़्यादातर आमंत्रित नेता वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। मतलब इसके अंदर नेताओं को आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और लोकतंत्र के बारे में कुछ कहिए। और अमेरिका का जो एजेंडा है, 3 सूत्रीय एजेंडा अमेरिका का ये फिक्स रहता है, जिसके अंदर दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना, और वो भी स्थापना कैसी, जैसी लोकतंत्र अमेरिका चाहता है वैसे लोकतंत्र की स्थापना हो। दूसरे अन्य देश जो हैं, जैसे कि रसिया हो गया या फिर कहें चाइना हो गया, इनकी डेमोक्रेसी को अमेरिका के द्वारा डेमोक्रेसी माना ही नहीं जाता है, ये तानाशाही इनको मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सत्ता में आने के बाद से इस समय दुनिया में चल रहे टकराव को लेकर लोकतंत्र बनाम तानाशाही के संघर्ष के रूप में पेश किया है। बाइडन ने इस बार अमेरिका के साथ 4 देशों को सह मेजबान बनाया है, दक्षिण कोरिया, जामिबिया, कोस्टा रिका और नीदरलैंड्स। इन देशों के नेता जो हैं वो चारों को होस्ट के तौर पर शामिल होंगे। ये जो स्क्रीनशॉट है वो आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट से। समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 होने वाला है इसका आयोजन। 3 जो इसके मुख्य सूत्र हैं वो हैं स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करना, एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब कुल मिलाकर तानाशाही को खत्म करना। ये एक अजीब सा बहुत बड़ा शब्द है, आप चाहें तो इसको पढ़ें एक बार। डिफेंडिंग अगेंस्ट, ये जो तानाशाही है इसको खत्म करना, और लोकतंत्र की स्थापना करना। एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, जो करप्शन है, असल में ये जो दूसरा पॉइंट है इसको आप ले सकते हैं लिबरलाइजेशन के तौर पर, कि जो तमाम देश हैं वो करें प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की ओर जाएं ये, क्योंकि जहां सरकारें होती हैं वहां होता है भ्रष्टाचार और हम चाहते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करना। और तीसरा जो इनका एजेंडा है वो है प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट प्रदान करना। ये जो है 2021 का जो सम्मिट हुआ था उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हुए थे, जितने भी ये नीले रंग में रंगे हुए आपको देश दिखाई देते हैं, ये वो 113 देश हैं जो कि शामिल हुए थे 2021 के सम्मेलन में। अब यहाँ इस मैप के माध्यम से देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देखते हैं, ये है चाइना। चाइना आमंत्रित नहीं किया गया था, ना ही शामिल हुआ था। दूसरा देश देखते हैं रसिया। यहाँ आप देखिए, यहाँ मिलेगा आपको तुर्की। तुर्की भी शामिल नहीं हुआ था, मतलब ये कुछ देश हैं और तुर्की को इस बार भी आमंत्रित नहीं किया गया है। पाकिस्तान के
आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान 2021 में शामिल नहीं किया हुआ था। मतलब डेमोक्रेसी समिट इनविटेशन बाय यूएस अ टेस्ट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की जो कूटनीति है उसका है ये टेस्ट पूरी तरह से। अब ये देखना चाहता है अमेरिका कि ऐसी कठिन स्थिति में जहां एक ओर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पाकिस्तान का जो लोन है उसको क्लियर कराने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, उसके बावजूद चाइना जो है, चाइना कराता है इनके यहाँ पर सीपीईसी का निर्माण, और दूसरी तरफ जो है एक देश है तुर्की, और तुर्की के साथ हैं पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध। तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसी के चलते माना जाता है कि बीच में फंसा पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का एक कड़ा परीक्षण यहाँ पर होने वाला है कि वो अपने भाई बंधु जो हैं चीन और तुर्की उनका साथ देगा या फिर अमेरिका का साथ देगा। अब 2021 के सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था, 2021 में पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान, उनके द्वारा अपनी अलग राय दी गई, लेकिन इस बार भी इनके द्वारा मना कर दिया गया है। ये खबर है 2021 की, पाकिस्तान डिक्लाइंस यूएस डेमोक्रेसी समिट इन्विटेशन। जो इनविटेशन पाकिस्तान को 2021 के अंदर दिया गया था उससे पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम शामिल आपके सम्मेलन में नहीं होते। पाकिस्तान ऑप्ट्स आउट ऑफ डेमोक्रेसी समिट इन वॉशिंगटन, ये खबर आप देखते हैं 2023 की। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो रस्साकसी चल रही थी इस बीच की हम शामिल हों या ना हों, तो फिलहाल जो शहबाज शरीफ हैं जिनकी सरकार अमेरिका के सहयोग से बनाई गई है ऐसा आरोप लगाया जाता है इमरान खान के द्वारा, तो जो सरकार अमेरिका के द्वारा बनाई गई है उस सरकार ने कर दिया है मना कि जाओ हम आपके सम्मेलन में भाग नहीं लेते। बड़ी खबर निकल कर आई है, पाकिस्तान टू स्किप यूएस डेमोक्रेसी समिट, क्यों है ये, इसका कारण क्या है? तो जो कारण है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा तो कर ही चुके हैं, वारी ऑफ चाइना, चीन से है खतरा। पाकिस्तान ऑप्ट्स आउट ऑफ डेमोक्रेसी समिट इन वॉशिंगटन 2023 28 मार्च की आप खबर देखते हैं कि चीन को खुश करने के लिए कि कहीं चीन नाराज ना हो जाए हमसे, इसके चलते हम जो हैं इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते। कौन से में? अमेरिका वाले में। एक सम्मेलन असल में चीन के द्वारा भी करा लिया गया है, उसके अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट कर लिया है, बड़ी खबर है ये। तो पाकिस्तान जो है चीन के डर से फिलहाल शामिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की तरफ से आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन ने पाकिस्तान को गहरे असमंजस में डाल दिया। पाकिस्तान उन 120 देशों में शामिल है जिन्हें इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन सोमवार रात तक पाकिस्तान सरकार तय नहीं कर पाई थी कि वह इसमें हिस्सा लेगी या नहीं। दिसंबर 2021 में हुए पहले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए भी पाकिस्तान को न्योता दिया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि सोमवार देर रात तक इस बारे में उच्च स्तर पर चर्चा चलती रही और अंततः फैसला निकल कर आया कि हम नहीं लेते इसमें फैसला। 2021 में आपका सवाल होगा कि क्यों मना किया था इमरान खान ने, क्योंकि जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे और बाइडन जब से अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे तब से एक फोन कॉल तक नहीं किया गया था इमरान खान से, इमरान खान को, और ना ही इमरान खान से फोन पर बात की गई थी। तो इसके चलते नाराज हुए थे इमरान खान कि आप यदि हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं हम भी आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो इनका कारण है ना शामिल होने का पाकिस्तान का, वो है चाइना, जो कि हमने न्यूज़ के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी देखी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ का जो पैसा है वो मिलना है 6.5 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं है बिलियन डॉलर हैं ये पैसा, फिलहाल अभी भी मिलना है। और आईएमएफ पाकिस्तान से कहता है कि जो शर्तें रह गई हैं, फ्यू रिमेनिंग पॉइंट्स जो हैं उनको आपको कंप्लीट करना है 6.5 बिलियन लोन के लिए। आने वाले समय में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका का साथ ना देना इसके चलते क्या आईएमएफ जो है वो लोन पाकिस्तान का रोक देगा। फिलहाल एक वीडियो हमने कवर किया था जिसके अंदर आईएमएफ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका का वोटिंग राइट जो है सबसे ज़्यादा है, लगभग 16.5% वोटिंग राइट जो है अमेरिका रखता है आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ संगठन क्या है? तो एक देशों का संगठन है, दुनिया के जो तमाम देश हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक लोन है। रीस्ट्रक्चरिंग का काम इसके द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि शॉर्ट टर्म लोन इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इनका लोन आगे अटक जाए। बात होगी अब चाइना के साथ और तुर्की की। अमेरिका ने इस सम्मेलन में चीन और तुर्कियों को आमंत्रित नहीं किया है, इनको आमंत्रण ही नहीं दिया गया, क्योंकि अमेरिका मानता है कि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर होते हुए भी इनके यहाँ पर लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अमेरिका की परिभाषा में जो लोकतंत्र अमेरिका के अंदर स्थापित है उसी को अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र माना जाता है, और ये लोग अमेरिका के लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मानते हैं,
क्योंकि इनके द्वारा कहा जाता है कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, तो आपका जो लोकतंत्र है उसी को दुनिया का लोकतंत्र हम क्यों माने, हमारे लोकतंत्र को भी बराबर पहचान मिलनी चाहिए। लोकतंत्र फिलहाल काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है तमाम देशों के अंदर, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही, जहां अमेरिका की नज़र में अमेरिका के हिसाब से लोकतंत्र नहीं होता, वहां पर अमेरिका को वो तानाशाही ही नज़र आता है। अमेरिका ने इस सम्मेलन में चीन और तुर्की को आमंत्रित नहीं किया है। सम्मेलन के बारे में आम धारणा है कि यह चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, इसलिए शहबाज शरीफ सरकार इस बात को लेकर आशंकित है कि उसके इसमें भाग लेने से चीन नाराज हो सकता है। तुर्की को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तुर्की जो है वो तमाम पाकिस्तान का साथ देता है। जब कश्मीर मुद्दा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है तो तुर्की ही अर्दोगान ही ये ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान का साथ जो है खुलकर देते हैं, तो इनको नाराज पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करना चाहता। जो पाकिस्तान का निकट एक सहयोगी देश है तुर्की, उसको बिल्कुल ये नाराज नहीं करना चाहता है। तुर्की विल बूस्ट टाइज विद फ्रेंडली ब्रदरली पाकिस्तान, सेज फॉरेन मिनिस्टर। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो मिले और आपस में भाईचारे की बातें इनके द्वारा की गई। रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज, मीडिया ने जब पूछा कि आप क्यों नहीं आना चाहते 2023 के डेमोक्रेसी वाले सम्मेलन में, पूछा कैसे गया, पाकिस्तान से पूछा गया, तो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि हमारे देश के अंदर एक हमारा 1973 के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ था, जैसे कि हम भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन, ऐसे ही 1973 में पाकिस्तान का सम्मेलन, ये जो संविधान था वो लागू हुआ था, तो इनके देश के अंदर मनाया जा रहा है इसका उत्सव, क्योंकि इसके 50 साल होने वाले हैं पूरे। इनके द्वारा कहा गया है कि हम जो हैं फिलहाल बिजी हैं अपने लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए, कि 50वीं जो वर्षगांठ है इसकी, उसको मनाने में हम व्यस्त हैं, इसी वजह से हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। हालांकि ये वर्चुअल सम्मेलन होना था, पाकिस्तान के अंदर से बैठकर ही वर्चुअली बातचीत की जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब जो है चीन की दुखती हुई जो नस है उस पर किस प्रकार से हाथ रखा गया अमेरिका के द्वारा, यह है ताइवान, जिसको कि चीन मानता है अपना, कि यह जो है चीन का ही भाग है। वन चाइना पॉलिसी की जो धारणा है इसी पर बेस्ड है कि चाइना उन्हीं देशों के साथ रिश्ते रखता है जो कि वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हैं। वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान जो खुद को अलग देश बनाने की कोशिश करता है या अलग देश बताता है, हर देश को इस एक पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का अभिन्न अंग है, तभी जो है चाइना अपने रिश्ते जो है रखता है। भारत भी वन चाइना पॉलिसी को अब तक मानता हुआ आया है, अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन इस बार लोकतंत्र का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें ताइवान को आमंत्रित किया गया है। अब चीन के लिए एक बहुत बड़ी जो गले की फांस बनी हुई है वो है ताइवान का मुद्दा, और अमेरिका लगातार ताइवान को आगे करता है, ताइवान को एक अलग राष्ट्र दिखाने की कोशिश करता है। चाहे वो मामला अभी पीछे हमने देखा था कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा हुई थी, जो अमेरिका की एक सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं उस मामले में, लेकिन इस बार लोकतंत्र के सम्मेलन में ताइवान को फिर से शामिल किया गया है, जबकि ताइवान को इसमें बुलाया गया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए उसे दिए गए आमंत्रण से चीन में खास गुस्सा देखने को मिला है। चीन ने आरोप लगाया है कि इस आयोजन के जरिए अमेरिका दुनिया में विभाजन को चौड़ा कर रहा है, कि जो दो देशों के बीच में खाई है उसको चौड़ा कर रहा है। चाइना की एम्बेसी है, दूतावास है, उसके द्वारा जो जानकारी दी गई, US डिसीजन टू इनवाइट ताइवान, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है। आप देखिए खीज क्या है चीन के अंदर इसको लेकर, कि अमेरिका का जो डिसीजन है ताइवान को इनवाइट करने का टू पार्टिसिपेट इन सो कॉल्ड लीडर समिट फॉर डेमोक्रेसी ओनली प्रूव्स दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ कवर, कि ये जो डेमोक्रेसी है उसको सिर्फ एक कवर के तौर पर अमेरिका के द्वारा लिया जा रहा है, एंड अ टूल टू एडवांस इट्स जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो अमेरिका के हित हैं, जो जियोपॉलिटिकल हित हैं अमेरिका के, उनको साधने के लिए लोकतंत्र का सहारा लिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ऑप्रेसिस द कंट्रीज डिवाइड द वर्ल्ड, कि दुनिया को जो एक डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एंड सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट, कि सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए इस ये जो हेजोमोनी है अमेरिका की, जो वर्चस्व है, इसको जिंदा रखने के लिए ये सारे प्रयास अमेरिका के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा बयान दिया गया चीन के द्वारा। ये खीज आपने देखी क्या है। एक कार्टून जारी कर दिया गया ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकारी अखबार है चीन के अंदर, डेमोक्रेसी समिट अ विम्पी शो ऑफ US ताइवान आइलैंड
ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल, मतलब इसके अंदर दिखाया गया है कि ताइवान को किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा खींचा जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर, और ये रस्सी बेहद कमजोर है और जा कहाँ रहे हैं, ये न्यू कोल्ड वॉर, एक नया शीत युद्ध शुरू करने की ओर ये जो है लेकर जा रहे हैं। झंडा लगा रखा है डेमोक्रेसी समिट का और अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो चला रहे हैं गाड़ी। तो ये जो एक खींच निकालने के लिए कार्टून जो है वो प्रकाशित कर दिया गया चाइना के द्वारा। बिफोर जो बाइडन्स डेमोक्रेसी समिट चाइना सेज वी आर ऑल्सो डेमोक्रेसी, मतलब जो बाइडन का जो समिट होने वाला था 2021 में, उससे पहले चाइना ने कहा था कि हम भी लोकतंत्र हैं, हम भी डेमोक्रेसी हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, तो उससे क्या हुआ। लेकिन जो प्रतिनिधि आते हैं वही अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं और प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं वही जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं चीन के अंदर, कि हम भी डेमोक्रेसी हैं। चीन ने जो है अमेरिका को जो बाइडन के समिट के बारे में ये कहा था। और जो गुस्सा नाराजगी की हम बात कर रहे थे कि क्या चीन नाराज होता है, तो चीन जो है इतना नाराज हुआ था इस बात से, हम एक बार अगर मैप को देखें, फिर से उस वाले मैप पर चलते हैं एक बार, जिसमें कि हमने देखा था कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं इस वाले, ये जो समिट है हुआ था 2021 में उसमें। यहाँ आप छोटा सा ये देश देखते हैं भारत के नीचे जो कि है श्रीलंका, श्रीलंका को भी इनवाइट नहीं किया गया था, चाइना को भी इनवाइट नहीं किया गया था, रसिया, तुर्की, ये सारे के सारे कंट्री ऐसे थे जिनको कि इनवाइट नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि एक न्यूज़ लेटर जो है श्रीलंका के अंदर 4 पेज का एक पेड न्यूज़ लेटर चीन के द्वारा प्रकाशित कराया गया था 2021 में, ये है वो द डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स की, इसमें श्रीलंका के लोगों को बताने का प्रयास किया गया था कि आपके देश को अमेरिका डेमोक्रेसी मानता ही नहीं है, क्योंकि चीन के अंदर हम्मनटोटा वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था चीन का श्रीलंका के अंदर वो चल रहा था, और इसके बाद श्रीलंका की हालत क्या हुई, क्या हाल हुए श्रीलंका के, एकदम दिवालिया फेल नेशन होने की कगार पर पहुंच गया, भारत ने इसको बचाया, ये निकल कर आई थी बात सामने। तो चीन के द्वारा श्रीलंका के अंदर ये 4 पेज का पूरा आर्टिकल प्रकाशित करवाया गया था न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर, जो कि पेड था। बात करते हैं थोड़ी सी, ये है 2023 के अंदर, मार्च 2023 में चाइनीज एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज्ड द यूएस, ये बैठक है, इसके अंदर अमेरिका के द्वारा जो डेमोक्रेसी सबमिट कराया जा रहा है उसकी आलोचना की गई इनके सबके द्वारा बैठकर। और दूसरा जो काम किया गया चीन के द्वारा वो है फॉर शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज फोरम ऑन डेमोक्रेसी ओपन्स इन बीजिंग, लो साहब ये कर दिया खेला, मतलब खेला क्या, चीन ने अपनी खींच निकाल ली, लगभग 100 से ज़्यादा देशों को बीजिंग के अंदर बुला लिया, चीन के अंदर बुला लिया, और लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने कर ली बाइडन की चर्चा से पहले ही चर्चा, मतलब हमने जो है एक सम्मेलन बुला लिया और बाइडन के सम्मेलन से पहले ही हमने ये सम्मेलन बुला लिया। ग्लोबल डिप्लोमेट्स पार्टिसिपेट्स स्कॉलर्स गैदर इन बीजिंग, जो ग्लोबल डिप्लोमेट्स हैं वो आए, पॉलिटिशियंस आए, स्कॉलर्स आए, बीजिंग यानी कि चीन के अंदर आए ये लोग टू शेयर व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के ऊपर अपनी अपनी धारणाएं अवधारणाएं रखने के लिए आए। ग्लोबल टाइम्स चीन के अखबार से जानकारी निकल कर आई कि जो होने वाला है बाइडन के द्वारा बुलाया गया जो समिट है वो तो अब होगा, लेकिन बीजिंग ने उसको पहले ही कर लिया, काउंटर एक कर दिया गया है, इस प्रकार से ये बात निकलकर सामने आई है। चीन के अंदर जो ये सबमिट हुआ है उसको 300 गेस्ट, मतलब इनका जो बाइडन का जो सबमिट होने वाला था सबमिट फॉर डेमोक्रेसी, इसका दूसरा पार्टिसिपेशन होने वाला था, उससे पहले ही 300 लोग बुलाए गए, 100 से ज़्यादा देशों के 300 लोग बीजिंग पहुंचे और अपनी अपनी लोकतंत्र के बारे में राय उन्होंने रखी, ऐसी जानकारी निकल कर आई। पाकिस्तान जो है वो भी हुआ था शामिल इसके अंदर, और पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी तारीफ वगैरह की गई है चाइना की, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी काम करता है, CPEC बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी काफ़ी तारीफ की गई पाकिस्तान के द्वारा इस समिट में जाने के बाद। तो इससे अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान से नाराज़ हो, और नाराज़गी बनती भी है क्योंकि दोनों देश चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के फिलहाल दुश्मनी निभा रहे हैं, मान रहे हैं पूरी तरह से, और पाकिस्तान बन रहा है इनके बीच में इनका नया युद्ध का मैदान। जो CPEC है चाइना के, पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि CPEC जो चाइना का प्रोजेक्ट है, या फिर कहें कि BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके द्वारा दुनिया के तमाम 100 देश जो हैं वो आए हैं चीन के साथ, इतनी तारीफें जो है पाकिस्तान के द्वारा चीन की की गई। बात करते हैं डेमोक्रेसी शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज फोरम ऑन डेमोक्रेसी ओपन्स इन बीजिंग, ये जो खबर आप देखते हैं 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2023 मार्च के अंदर इसको कर दिया गया है पूरा। एक और बात करते हैं नाटो मेंबर्स के बारे में, कि क्या जो नाटो मेंबर्स हैं, अमेरिका का ही एक अलाय है नाटो, उसके मेंबर्स तक को इनवाइट इसके अंदर नहीं किया गया है। एक मेंबर हमने देख लिया तुर्की, जो कि नाटो मेंबर है, और दूसरा मेंबर हम यहाँ देखते हैं हंगरी, एक देश है, हंगरी देश के अंदर जो
लीडर हैं उनको भी इनवाइट नहीं किया गया है। यहाँ आप देखते हैं ये है हंगरी, यूक्रेन के बराबर में ये भी एक नाटो मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसको भी शामिल नहीं किया गया है। क्यों शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि हंगरी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ओरबान, उन्होंने कह दिया था यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन से उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की मदद आप क्यों कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद ना की जाए। इसके चलते अमेरिका ने माना था कि इनके यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर चल रहा है, इसी के चलते हंगरी को भी आमंत्रित इस वाले लोकतंत्र के 2023 के सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया है, इनवाइट नहीं किया गया है। एक नई बात जो निकल कर आई कि वो जो है कि ये जो व्यक्ति हैं इनका ये हैं राष्ट्राध्यक्ष फिलहाल यूक्रेन के, इनको आमंत्रित भी किया गया है और सबसे पहला ओपनिंग जो भाषण होगा वो इन्हीं का होगा, इनको इस प्रकार से आमंत्रित किया गया है। द समिट विल ओपन ट्यूजडे विद वर्चुअल कन्वर्सेशन ऑन पीस इन यूक्रेन फीचरिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है ओपनिंग भाषण देंगे 28 तारीख को, जबकि ये सम्मेलन जो है शुरू होने वाला है मंगलवार के दिन। Not only the message but the setting will be a striking contrast from the first summit where Zelensky, now a wartime leader in military फैटिक्स, वॉज क्लीन सेवन एंड वियरिंग अ क्रिस्प ब्लैक सूट। ब्लैक सूट पहनकर इन्होंने जो है समिट में हिस्सा लिया, इस प्रकार से ये सारी की सारी बातें निकल कर आईं। अब रसिया की अगर बात इसमें ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि रसिया जो है वो अमेरिका के साथ शीत युद्ध लड़ चुका है, मतलब USSR जो हुआ करता था किसी समय 15 देशों में टूट गया 1991 में, उसकी क्या राय है? रसिया इन्वॉय वॉर्न्स एक्सट्रीमली डेंजरस, मतलब ये 2023 का जो डेमोक्रेसी समिट है ये है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, एक्सट्रीमली डेंजरस है ये। आइडियाज बिहाइंड द डेमोक्रेसी समिट, कि जो अमेरिका की सोच है, जो अमेरिका के आइडियाज हैं इस समिट के पीछे, वो बहुत खतरनाक हैं कि रूस विरोधी और चीन विरोधी गतिविधियां इसके अंदर की जाएंगी। उम्मीद है साथियों आपको पूरा का पूरा सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।